अभी जो ये लिया था स्क्वायर था तो आया गया वो भी कब्जा हो गया जो है अपना वही डाल नहीं अपना जो आ रहा था हम अगर डालना डालने से स्क्वायर में वो भी सब मेरा नाम सलेहा है। अर्श महल की बात कर रही हूँ मैं। अर्श महल पे ये झंडा है 40 साल से और यहाँ पे कब्जा कर लेना चाह रही रूमा बनाते बोल के, तो वो काम के लिए पूरे बस्ती के बच्चे ठहरे हुए है कि यहाँ पे एक इबादत खाना बनना, कि हमारे को कुछ अरबी तालीम का नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, हम हमारे को घर होना नहीं बोल रहे, यहाँ पे पढ़ने करने के लिए एक इबादत खाना होना बस, पुराने पीर की जगह है, झंडे की जगह है, झंडे कुछ रहना, यहाँ कोई कब्जा अब्जा नहीं करना, ये बात के लिए हम लोग लड़ रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं किशनबाग अर्शमहल से बात कर रहा हूँ भाई। हम लोग पूरे बस्ती वाले मिलके कल न्यूज़ में डाले थे झंडे के बारे में, और उसके बारे में आज जैसे हम लोग फिर आज गए सो है दारुसलाम गए, हमारे एमएलए साहब से मिले। एमएलए साहब हमको दो दिन का टाइम दिए, मौजम खान साहब, दो दिन के बाद आके नो कुछ फैसला करते बोले, हमारे जो भी है हमारे झंडे का हिस्सा हमको दिला दिए। तो कई का फैसला करते हैं ये झंडे का फैसला जो भी है बिकारे कर रहे हैं आपके झंडे। हमारे झंडे का ने क्या है, लोगों का कब्जा करके जमीन बिकाने के चक्कर में है, जो 50 गज जमीन है झंडे की वो जमीन बिकाने के चक्कर में। क्या है जीने में।